हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा कि जो जो शेयरिंग वाल है उसका क्या कंसेप्ट है। तो शेयरिंग वाल का एक्चुअली कंसेप्ट ये है, ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा करके दिखा दूं कि जो घर जॉइंटली जिस तरीके से पैरेलल बनते हैं, जैसे अभी ये घर आप देख पा रहे होंगे इस साइड में ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसके साथ में एक और घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, सामने जो घर है वो भी अभी कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन उसके दोनों साइड जो प्लॉट हैं खाली हैं। इधर ये घर जो आप देख रहे हैं उसके इस साइड की दीवार ओपन है, ये दो घर जॉइंट में हैं। तो अगर मैं आपके कहूँ कि भाई ये जो दो घर हैं उनके बीच की दीवार जो है वो कॉमन है, तो कॉमन और जो वॉल है वो शेयरिंग बेस पे है या नहीं है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली जिस तरीके से सोसाइटीज हैं या जनरली जो है वहाँ जो कॉमन वॉल होती है समटाइम्स वो क्या है डिपेंड करती है कि जो आपके नेबर हैं वो शेयरिंग करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंटली क्या होगा कि अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो 9 इंच की वॉल होगी, लेकिन जब आप शेयरिंग पे चलेंगे तो वो 4.5 इंच की हो जाएगी। दैट मीन्स कि दोनों साइड की वॉल अगर आप कंसिडर करते हैं पैरेलल तो आपको 9 इंच का बेनिफिट मिलता है, लेकिन आप भी अगर इंडिपेंडेंटली रखेंगे तो वो आपका 9 इंच कम हो जाएगा। तो 9 इंच एक्चुअली मैटर करता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो शेयरिंग वॉल है उनकी जो फाउंडेशन है दैट फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वो आप 36 इंच के आसपास लें और उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली मेंटेन करके रखें नीचे से प्रॉपरली जो कंक्रीट है, तो वहाँ पे उसका बेनिफिट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 27 इंच या उससे कम लेके चलेंगे और फिर कहेंगे कि वो शेयरिंग है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि दो लेंटर का जो प्रेशर है वो एक वॉल पर पड़ेगा और वो जो वॉल है आपकी सेंटर वॉल है कॉमन वॉल है उसका जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि जैसे अभी मैं आपको वो पिंक कलर का हाउस दिखा रहा हूँ, तो उसका इस साइड का जो पोर्शन है, इस साइड का जो फ्लैट है वो अभी नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ है, राइट। तो उन्होंने अगर उसको शेयरिंग पे लिया है तो क्या होगा, उन्होंने पहले अपनी दीवार खड़ी कर ली है, तो अब उसकी जो कॉस्ट है तो उन्होंने ही बियर की है, लेकिन सेकंड टाइम जब वो इस साइड के जो पर्सन है वो उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उनको वो अमाउंट पे करनी होगी, उसका हाफ उनको पे करना होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि जो आपका नेबर है वो आपसे कौन सी किस टाइम का जो पैसा है वो चार्ज कर रहा है, एट द टाइम व्हेन ही कंस्ट्रक्ट द हाउस और राइट नाउ, क्योंकि टाइम के साथ में जो प्रॉपर्टी है और जो उसके एसेट हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाते हैं। जैसे ब्रिक्स की जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी, सीमेंट का प्राइस चेंज हो जाएगा, अगर उसके अंदर पिलर आपने लिए हैं तो पिलर के अंदर जो आपका स्टील है वो चेंज हो जाएगा, तो ओवरऑल जो कॉस्ट है दैट विल बी अफेक्ट। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नेबर कि वो आपसे जो चार्ज कर रहा है वो प्रेजेंट चार्ज कर रहा है या जो उसने जिस टाइम कंस्ट्रक्ट किया था उस टाइम के वो चार्जेज आपसे कंसिडर किए हैं। तो आप एक रफ एस्टिमेट ले लीजिए कि जहाँ कहीं भी जब आपका एस्टिमेशन होता है किसी भी कॉमन वॉल का, तो भाई कि कितना कोई मिस्त्री एक्चुअली कितने उसका डेली वेज पे है, कितने लेबर उसके साथ में है और हाउ मच बेसिकली लेंथ दैट पर्सन कवर्स, और जो आपका डिफाइंड लेंथ है कि भाई उस डिफाइंड लेंथ के अंदर आपकी इतनी ब्रिक्स लगेंगी कि वो 10 फीट्स है, 10 फीट्स में आपका इतनी ब्रिक्स लगती हैं, और तो उसी बेस पे आप अंदाज़ा निकाल लीजिए कि भाई आपका अगर 40 फीट्स है या 50 फीट्स है तो उसकी लेंथ में कितना ब्रिक्स लगेगा, और वो एक दिन में एक मिस्त्री जो है कितनी लेंथ कवर करता है, हाउ मच बेसिकली क्वान्टिटी ऑफ द ब्रिक्स दैट पर्सन दैट मशीन बेसिकली यूज करता है, वो जो मिस्त्री है उनका वो कितनी ईंट लगा पाता है एक दिन में। तो वहाँ से आप अगर ऐसा एस्टिमेट लगा पाएंगे अपने आप से तो यू कैन आल्सो जज बेटर, ठीक है। जो आपके हाफ पड़ोसी ने आपको जो एस्टिमेशन दिया है तो वो उसकी कैलकुलेशन जो है आप अपने आप से अच्छे से कर पाएंगे। इन जनरल क्या है कि दोनों को साथ साथ में ही रहना है, तो मेरा सजेशन तो ये है कि जिस टाइम हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ था तो उसी टाइम की जो कॉस्ट है नेबर को जो है
एस्टिमेट करके रखना चाहिए, उसी को शेयर करना चाहिए विद द नेबर, इंस्टेड की जो प्रेजेंट जो वैल्यूज है उसके साथ एस्टिमेशन ना करें, तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। जो जेन्युइन रेट हैं उसी को इंक्लूड करें, एक्स्ट्रा ना करें, उस पर कोई इंटरेस्ट ना लगाएं, क्योंकि दोनों नेबर हैं, दोनों को साथ में रहना है। तो ऐसा ये पॉइंट पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जहाँ भी आपकी कॉमन वॉल है उस कॉमन वॉल को एस्टिमेशन आप अच्छे से करें, उसमें क्वांटिटी आप अगर आपने दीवार पहले बनाई है तो उसको डिफाइन कर लें कि इतनी क्वांटिटी लगी है, इतना सीमेंट लगा है, इतनी लेबर लगी है, राइट, इतना पिलर है, उस पिलर की स्ट्रेंथ इतनी है, इतना बेसमेंट था, तो उसके बेस पे अगर आप करेंगे तो आई थिंक कि जो एस्टिमेशन होगा वो एग्जैक्ट होगा और वो कम एडजस्टेबल होगा फॉर बोथ दी पार्टी। उसमें कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं आएगा, इंटरनल जो माइंड है उसमें कोई ऐसा नहीं आएगा कि भाई ये कम है या ज़्यादा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऐसा लेके चलेंगे तो दोनों साइड दोनों पार्टी के लिए वो बेनिफिशियल होगा। लेकिन सेकंड पार्टी जो लेटर स्टेज में कंस्ट्रक्ट करती है उसको भी थोड़ा इस चीज़ का जजमेंट ले लेना चाहिए कि भाई इतने टाइम में जो मैं अभी पहले बोल रहा था कि ये चीज़ लगेगी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये हाउस आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी ब्रिक्स दिखाई पड़ रही हैं, तो आप एक लाइन में एक देख सकते हैं कि भाई इतना ये 40 इसका फीट की लेंथ है या 30 फीट की लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग इतनी ब्रिक्स लगी हैं, राइट। तो ब्रिक्स की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, फिर पिलर देख सकते हैं कि उसमें अभी जैसे कि ये दिखाई पड़ रहा है कि ये यहाँ पे 16 mm का सरिया लिया है या उससे कम लिया है, 12 का लिया है, जो भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये थोड़ा सा एक एस्टिमेशन के आप करीब पहुँच जाएंगे। तो देन आफ्टर यू कैन कॉम्प्रोमाइज बोथ द पार्टी की भाई क्या सिचुएशन होगी। आई होप कि इसके थ्रू आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा और अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।